हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप मजे में होगे। और आज मैं आ गया हूँ एप्पल पार्क विजिटर सेंटर में। ये है एप्पल के हेडक्वार्टर्स, बट हेडक्वार्टर्स के अंदर वही लोग जा सकते हैं जो लोग जॉब करते हैं, या फिर अगर आपको एप्पल इवेंट के लिए इन्विटेशन मिला है। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं एक स्पेशल एप्पल स्टोर। यहाँ पे स्टोर भी है, कैफे भी है, रूफ टॉप टेरेस भी है। तो ये है सारा एरिया जहाँ पे है अपना एप्पल पार्क का विजिटर सेंटर। तो यहाँ पे आप बाहर बैठ भी सकते हो और बहुत साफ सफाई है। और कुपरटिनो है जगह जहाँ पे है ये एप्पल हेडक्वार्टर्स। तो सबसे पहले है कैफ़े और उसके बाद है एप्पल स्टोर। तो पहले अपने लोग एप्पल स्टोर में चलते हैं और फिर आएंगे इस कैफ़े में। और इसके अलावा एक एआर रूम भी है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो अगर कभी भी आप आ रहे हो सैन होजे वाले एरिया में, बे एरिया के अंदर, तो ये जो स्टोर है इसको आप डेफिनेटली चेक करो। और यहाँ पे एक्सक्लूसिव मर्च भी मिल रहा है जो कि और किसी भी एप्पल स्टोर में नहीं मिलता। तो कपड़े वगैरह चाहिए एप्पल के, वो भी मिल जाते हैं। सबसे पहले वॉच अरमेज जो आती हैं उनका एक यहाँ पे अलग से ही सेक्शन है। काफ़ी कूल डिस्प्ले ये इन्होंने बनाया हुआ है। और ये है एक्सक्लूसिव मर्च जो आपको मिलेगा सिर्फ इस वाले एप्पल स्टोर में। तो शर्ट्स वगैरह लेना चाहते हो ले सकते हो। ये है डिज़ाइंस और यहाँ से बस आपको पिक कर लेना है। ये एक बॉक्स रहता है, इसके अंदर होगी आपकी टी शर्ट। $40 है एक टी शर्ट का प्राइस। और डिज़ाइंस देख लेते हैं। तो ये कुछ डिज़ाइंस हैं टी शर्ट्स में जो आपको मिल सकते हैं। ऑल दो मेरे पास दो टी शर्ट्स हैं एप्पल की, बट आज कुछ और मैं लेने वाला हूँ। तो और कुछ डिज़ाइंस, तो ये वाली टी शर्ट जो है मैंने ले ली है। बाकी इसके अलावा जो ब्लैक में यहाँ पड़ी हैं इनमें साइज़ ही नहीं मिल रहा। तो अब जो मैंने ली है वो है ये। और कपड़ों वाले सेक्शन के बीच में एक वॉच अल्ट्रा का भी डिस्प्ले है। यहाँ पे पहले कुछ लोग थे इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। तो वॉच अल्ट्रा बैंड्स रखे हुए हैं जो जो आप पहन रहे हो। और वॉच अल्ट्रा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। और अगर आप चाहो तो ये सेट ऑफ फोर पोस्टर्स जो है ये भी आप ले सकते हो। और आगे चलें तो यहाँ पे कुछ और वॉचेस का डिस्प्ले। और ये जो एप्पल पार्क का डिज़ाइन है उसको इन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ है, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स। और आगे देखें और क्या क्या है। तो ये है अपना एप्पल स्टोर, iPads, iPhones, iPhone 14 Plus, क्योंकि बिका ही नहीं। और यहाँ पे क्लासेस भी चलती रहती हैं। तो अगर आपने iPhone लिया है, आपको चलाना नहीं आता, iPad ले रहे हो और उसमें कोई चीज़ लर्न करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो अटेंड कर सकते हो। ये हर Apple स्टोर में ही होता है। अभी जब इंडिया में खुल जाएगा तो वहाँ पे भी आप लोग इसका फ़ायदा उठा पाओगे। और आगे और देखते हैं, iPads, iMacs, Mac Pro, जिसको Mac Studio ने रिप्लेस कर दिया है। ये है इनके नए डिस्प्लेस। और ये है अपना मैक प्रो जिसका प्राइस स्टार्ट होता है 6,000 से और $50,000 तक चले जाता है। 40-45 लाख रुपए का ये मैक प्रो आपको पड़ेगा अगर आप फुल्ली कन्फिगर्ड लोगे। और इसके अलावा M1 वाले iMacs और बहुत सारे केसेस आपके iPhones के लिए, एंड एयर टैग का डिस्प्ले, एप्पल म्यूजिक, ये हैं आपके एयरपॉड मैक्स। और बाकी जो प्रोडक्ट्स आते हैं बीट्स वगैरह के, वो भी यहाँ पे आपको दिख ही रहे हैं। और एक ये जो चीज़ है ये मुझे काफ़ी पसंद आई, जो इन्होंने की नोट्स बनाए हुए हैं एयरपॉड्स से। और ये है अब यहाँ पे पूरा का पूरा एप्पल स्टोर वाला सेक्शन। और अब चलते हैं कैफ़े में। और ये है एप्पल का कैफ़े, यहाँ पे बैठ के काम भी कर सकते हो और कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हो। और कॉफ़ी देख लेते हैं मेन्यू में क्या क्या है यहाँ पे। तो ये है अब इनका मेन्यू, लेट्स सी क्या क्या है। बेवरेजेस, हॉट चॉकलेट, तो चाय मिल गई है, यही वाली देख लेते हैं। कस्टमाइज, दैट्स इट, ऐड टू ऑर्डर। तो $5 की मिलती है यहाँ पे कॉफ़ी, और कॉफ़ी रेडी है। और अब चलते हैं ऊपर, कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, देखते हैं $5 का वर्थ है या नहीं। होगा ही, खैर एप्पल है तो वैसे ही स्वाद लगने वाली है। और ये स्टेयर्स आपने एप्पल के कीनोट में देखी होंगी, तो सब जगह पे ये स्टाइल जो है इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और सफाई कुछ ज़्यादा ही है। और ये है रूफ टॉप टेरेस, खाली ही पड़ा है, ज़्यादा लोग तो है नहीं, तो यहाँ पे बैठ के आप अपना जो फूड है वो इंजॉय कर सकते हो, ड्रिंक्स आप पी सकते हो। और ये है एप्पल पार्क, एप्पल के हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो एप्पल के जितने भी काम होते हैं यहीं से होते हैं। और आप यहाँ पे जा नहीं सकते हो, अगर आप एम्प्लॉय हो तभी आप जा सकते हो, जैसे मैंने पहले कहा था। और व्यू जो है, व्यू यहाँ से बहुत ही अच्छा है, वेदर आज वैसे भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो ये है एप्पल हेडक्वार्टर्स। और ये जो मैंने लिया है चाय, अच्छा है, चाय जैसा तो नहीं है बट अच्छा है, जो भी है $5 जो है वो सूल हो रहे हैं। और अब शर्ट जो है ये भी अनबॉक्स कर लेते हैं, एक हाथ से ही चलेगा काम। तो ये है अपनी एप्पल पार्क वाली शर्ट, $40। और इसके बाद एक चीज़ और है, वो है ये एआर रूम, बहुत ही अमेजिंग चीज़। अब बताता हूँ कैसे काम करता है ये। तो यहाँ पे एप्पल पार्क का जो पूरा डिज़ाइन है वो आपको दिख रहा होगा। और ये है एप्पल पार्क, बिग ओ भी इसको बोल देते हैं। और इसको आप
इस आईपैड की मदद से विजुलाइज कर सकते हो। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको किस तरीके से काम करता है। तो एआर की मदद से आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, और बहुत ही कूल ही एक्सपीरियंस है। काफ़ी टाइम से बंद था, अभी ही खुला है 2 सालों के बाद, क्योंकि पहले कोविड था इसलिए बंद हो गया था। तो अब एक बार देखते हैं, जब अपनी बारी आती है इन लोगों के बाद मेरा चांस है, बट देखने में कितना कूल लगता है ये। सो ये है इनका एआर प्लेटफॉर्म, और सामने जो आप देख रहे हो ये है एप्पल का हेडक्वार्टर। 1 माइल का है पूरा का पूरा ये सर्कल, और यहाँ पे आपको पार्किंग भी दिख रही है, और आप अगर जूम करते हो तो सारी चीज़ों पे आप स्कैन कर सकते हो। और साइड पे आपको टाइमर भी दिख रहा है कि 9 बजे कैसा लगेगा, 2 बजे कैसे, टाइम लैप्स चलता रहता है कि कौन से टाइम पे कैसा लगता है एप्पल का कैंपस। और ये है फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पे है वर्किंग स्पेसेस भी फर्स्ट फ्लोर की। तो ये बहुत ही कूल तरीका, तो अगर आप आ रहे हो एप्पल पार्क विजिटर सेंटर तो एआर रूम जो है वो आप डेफिनेटली चेक करो। और साइड पे है पार्किंग्स, बहुत ही कूल एक्सपीरियंस। और ये है वो एआर रूम, और ये है पूरा का पूरा एप्पल पार्क विजिटर सेंटर। तो कभी भी कुपर्टिनो आ रहे हो तो विजिट डेफिनेटली करो, एक अच्छी जगह, टाइम भी निकल जाएगा, और अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो परफेक्ट स्पॉट। और ये था टूर एप्पल पार्क विजिटर सेंटर का, जो कि मैं पिछले 1 साल से प्लान कर रहा था कि मुझे यहाँ आना है। आज फाइनली आया हूँ, और आई होप आपको पसंद आया होगा एप्पल पार्क विजिटर सेंटर। तो कैसी लगी वीडियो, और क्या सबसे बेस्ट लगा इस जगह में, मुझे बताओ कॉमेंट्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।